नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बच्चन सिंह और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ कि किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पे सुपर पावर वाली वीडियो बना सकते हैं। अपने वीडियोस में जो सुपर पावर इफेक्ट्स होते हैं उनको किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पे ऐसे वीडियो बना सकते हैं, उसके लिए सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत है और थोड़ा सा आपको ये वीडियो अच्छे से देखना होगा ताकि आप अच्छे से इस तरह के वीडियो बना सकें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक बात एक्चुअली हुआ क्या है कि जो मैंने वीडियो काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में कुछ वीडियोस डाले हैं तो उनमें प्रॉब्लम आ रही है वीडियो लेयर की। जो लोग डबल रोल बनाना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि जिनके पास वीडियो लेयर अभी काइन मास्टर में अवेलेबल नहीं है तो वो लोग क्या है विवा वीडियो से डबल रोल वाले वीडियो बना सकते हैं। उसकी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको वीडियो को चेकआउट कीजिएगा और वहां से डबल रोल वीडियो आप बना सकते हैं। और उसके अलावा वीडियो लेयर का एक और ऑप्शन था बैकग्राउंड चेंजिंग का। बैकग्राउंड चेंजिंग एक्चुअली अभी मोबाइल फोन पे हो नहीं पाएगा आपका अगर आपके मोबाइल में वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि काइन मास्टर एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां से आप क्रोमा की के द्वारा अपना वीडियो लेयर के द्वारा अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और बाकी रूट करके भी आप अपने मोबाइल पे वीडियो लेयर ऑप्शन ला सकते हैं, लेकिन रूट करने के भी कई नुकसान है कई फायदे हैं। रूट क्या होता है इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगा। और बहुत सारे डिवाइसेज में ये प्रॉब्लम हो रही है कि रूट भी नहीं हो पा रहे, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा प्लीज़ ये जो वीडियो था मेरा काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग के बारे में, जो बैकग्राउंड चेंजिंग के बारे में, जो डबल रोल के बारे में है, जिनके मोबाइल में वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ वो लोग या तो रूट करके अपने वीडियो लेयर ऐड कर सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा। यहां से आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और वहां से मैसेज मेरे को कर सकते हैं तो मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है वहां से बता दूंगा। और उसके अलावा जैसे कि अगर रूट आप नहीं करना चाहते हो तो फिर अभी थोड़ा आपको इंतजार करने की जरूरत है, या फिर पीसी में आप कर सकते हैं बैकग्राउंड चेंजिंग। तो फिलहाल इस वीडियो पे हम आगे बढ़ते हैं और वो सब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जो वीडियो मैंने एडिट किया है वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उसमें मैंने जो सुपर पावर वाले इफेक्ट्स हैं वो किस तरह से ऐड किया है, वो वीडियो मैं आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद उसको किस तरह से ऐड करना है ये दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वीडियो किस तरह से बनाया, उसके लिए प्लीज़ आँखें को जो है आप ध्यान से देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विवा वीडियो एडिटर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके बाद उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन देख रहे होंगे। एडिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अंदर आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ से कोई एक रिकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा ऑलरेडी एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है जो मैंने अभी एडिट किया है, तो उसी में थोड़ा सा आपको और एडिट करके दिखा लेता हूँ। तो उसके बाद मैंने जैसे वीडियो निकाला तो यहाँ पे थीम वगैरह बहुत सारा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नए थीम। जो मैंने इफेक्ट्स जो मैंने लगाए हैं वो मैंने डाउनलोड किए हैं, तो थोड़ा आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से। तो जैसे इफेक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप बहुत सारे आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे इफेक्ट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इफेक्ट्स एक्शन वाले या फिर यहाँ पे एक्शन वाले इफेक्ट्स जो हैं आप यहाँ से उनको अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा जो आपके पास डाउनलोड नहीं है तो नेट के द्वारा उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी वो है स्टिकर। स्टिकर का प्रयोग मैंने किया था जो अभी आपने वीडियो देखा उसको बनाने के लिए। तो स्टिकर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप एक्शन में जाएंगे, जैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं आप इनको इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं।
जैसे कि मैं कोई एक यहाँ पे कोई एक स्टिकर चूज कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो इस तरह से मैं एक स्टिकर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो उसको अप्लाई करने के बाद एक बार सिलेक्ट किया, देन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है हमारा अप्लाई हो चुका है। तो इसका जो टाइमिंग वगैरह है तुम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे आपको एक्शन स्टिकर जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके अपने वीडियो जो है वो एडिट किया था, तो सेम यहाँ से उसका आप आकार छोटा बड़ा कर सकते हो, उसका उसको मूव कर सकते हो इधर उधर, कुछ भी आप यहाँ से अपने हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये एक स्टिकर है, इसको मुझे ऐड करना है किस तरह से, तो मैं अपने वीडियो में जो मेरा वीडियो है उसके हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका साइज हो गया और उसकी डिस्टेंस होगी वो सब यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे ऐड करने के बाद क्लिक ओके डन, उसके बाद ये जो है यहाँ से अप्लाई होगा। उसके बाद इस दोबारा आप उस स्टिकर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर एक्शन में कोई दूसरा आप ऐड करना चाहते हो तो दूसरा भी ऐड कर सकते हो, उसका भी साइज छोटा बड़ा सेम इस तरह से आप बना सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी ये अप्लाई हो चुका है। तो इसके अलावा जो मैंने जो भी यहाँ पे ऐड किया था सब इसी तरह से किया था। उसके स्टिकर पे क्लिक करने के बाद अब उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा कर सकते हो, इसकी जो लेंथ है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो, तो ये सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारे मैंने जो भी यहाँ पे स्टिकर ऐड किया था सब इस तरह से ऐड किया था। उसके बाद यहाँ से आप सीधे प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। दोस्तों मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं, अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत होती है वीडियो बनाने में तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं वहाँ पे हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, आप चेक कर सकते हैं किसी भी कमेंट पे। और उसके अलावा अगर आपके कुछ मोबाइल पे सपोर्टिंग या इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।